नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड। आज मोनोप्रोम फाइनेंस का शेयर लगभग 12 से 13 परसेंट यहाँ पे डाउन था। उसका बड़ा रीजन है कि ईडी जो है मोनोप्रोम फाइनेंस का ऑफिस में अभी सर्च कर रहा है, जिसकी वजह से ये मार्केट को नेगेटिव लगा एंड आज इस स्टॉक का शेयर 12-13 परसेंट यहाँ पे डाउन था। उसके साथ मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया है, अभी सर्च जारी है एंड मोनोप्रोम फाइनेंस का मैनेजमेंट इसको कम्प्लीट सपोर्ट देंगे जो भी क्लैरिफिकेशन ईडी को चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में इस रेट के ऊपर और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा, अभी के लिए सर्च जारी है। जब और कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा उस टाइम हम फिर से इसका अपडेट वीडियो लाएंगे। लेकिन इस न्यूज आने के बाद जो 12-13 परसेंट अभी डाउन हुआ है उसके हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बनते हैं उसको एनालिसिस करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन हुआ है मोनोप्रोम फाइनेंस का और यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ डेली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए स्टॉक का प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद देखिए बॉटम में प्राइस ने एक बेस बनाया था एंड यहाँ पे बॉटम में बनाया था एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ए हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया उसका राइट शोल्डर एंड ए हो गया उसका हेड एंड प्राइस उसका नेकलाइन को भी यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कर दिया था। देखिए यहाँ पे नेकलाइन था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, उसको ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद आज यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज आया था उसके साथ देखिए यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न भी बना था, लेकिन इस न्यूज के साथ मल्टीपल पैटर्न अभी के लिए तो फेल हो गया है। अगर आप नीचे फोकस करेंगे इस ब्लैक लाइन के ऊपर, देखिए इस स्टॉक के लिए इस ब्लैक लाइन हो गया एक मोमेंटम लाइन। जब तक प्राइस इस ब्लैक लाइन को सपोर्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तब तक ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इस ब्लैक लाइन जो मेजर सपोर्ट बनेगा इसको प्राइस यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, जो कि लेवल यहाँ पे बन रहा है नियरली 106 के आसपास। अगर इस स्टॉक का प्राइस कभी भी यहाँ पे 106 के आसपास आ जाता है एंड यहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन कैंडल बन जाता है, उसका हाई को ब्रेक करने के बाद हम एंट्री कर सकते हैं एंड लो के नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हैं। अभी के लिए इस ब्लैक लाइन के आसपास आप फोकस कीजिएगा। अगर इस स्टॉक का प्राइस 106 के आसपास आ जाएगा एंड इस लेवल को होल्ड कर देगा तो आने वाले टाइम में हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे ऊपर की तरफ, नहीं तो अगर इस मोमेंटम लाइन को प्राइस ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर से हम नया लो बना था इस लो को अभी हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए जो ब्लैक लाइन जो मोमेंटम लाइन है आज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 106 के आसपास जो है, हाई प्रोबेबिलिटी के अगर इस लेवल को होल्ड कर देगा तो हम फिर से अब मूव कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो लो बना था लगभग 82 के आसपास उसी लो को टेस्ट कर सकता है। अगर अभी जो ईडी सर्च कर रहा है नेगेटिव न्यूज वहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ से एक बार ट्रिगर बन सकता है एंड ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, नहीं तो अगर कुछ नहीं आता है तो उसी केस में आराम से हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। सपोर्ट लेने के बाद फिर से अब मूव कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। अगर कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।